नमस्कार मित्रों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पर्यावरण के प्रमुख सम्मेलन वर्ग 3 से संबंधित पर्यावरण के प्रमुख सम्मेलन। यह वीडियो आपका MPTET, UPTET, रीट, CTET व टेट के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अच्छी तरह से अंत तक देखिएगा। हमने पार्ट फर्स्ट में 2 सम्मेलन की जानकारी दी है, पार्ट सेकंड में 3 सम्मेलन की जानकारी दी है। ये आपका पार्ट थर्ड है। आप देखना चाहें तो पार्ट फर्स्ट की लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है और शेष पार्ट्स की लिंक आपको इंड स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते आज किस चैप्टर की ओर, जो कि आज का हमारा चैप्टर है। आज हम इस वीडियो में 2 सम्मेलन की जानकारी देंगे। पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह जो सम्मेलन है आपका सन 1987 में हुआ था। यह सम्मेलन आपका सन 1987 में, जैसे कि नाम इसका मॉन्ट्रियल, तो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। इस सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य था, इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था ओजोन परत का संरक्षण, ओजोन परत का संरक्षण। इस सम्मेलन के बारे में, ओजोन परत के लिए जो सम्मेलन वेना में, ऑस्ट्रिया के वेना शहर में वेना सम्मेलन 1986 में हुआ था, इसकी नींव माना जाता है उसी सम्मेलन में 1986 में पड़ गई थी। लेकिन इसे आयोजित कब किया गया, 1987 में, और वो भी कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। तो विशेष तौर पर आपको याद रखना है, पहला सम्मेलन सन 1972 में हुआ था, दूसरा सम्मेलन 1974, तीसरा 1975, चौथा सम्मेलन 1985, फिर 1986, फिर 1987 और फिर 1988। 1986, इन सम्मेलन को अच्छी तरह से याद रखिए, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में, पेपर में क्वेश्चन जरूर निकलने के चांस है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विशेष तौर पर कब हुआ, 1987 में। इस सम्मेलन से आपका जो क्वेश्चन निकलेगा वह कुछ इस तरह निकलेगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ। नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो कब हुआ, 1987 में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन निकल सकता है कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहाँ हुआ। तो यदि आपसे स्थान का नाम पूछे तो मॉन्ट्रियल में, और यदि देश का नाम पूछे तो कनाडा में। कनाडा में 1987 के बाद पुनः एक बार सम्मेलन हुआ, जो 1988 में हुआ, जो कनाडा के किस शहर में हुआ, टोरंटो शहर में हुआ। इस कारण से 1988 में जो सम्मेलन हुआ इसे टोरंटो सम्मेलन कहा जाता है। टोरंटो सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था ग्रीन हाउस की प्रमुख गैस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस सम्मेलन की प्रमुख खास बात है, जो कि टोरंटो में हुआ था और कनाडा में हुआ था, इस सम्मेलन में सभी देशों ने समान रूप से भागीदारी नहीं निभाई, इस कारण से यह सम्मेलन असफल रहा। पेपर में आता है कि टोरंटो सम्मेलन सफल क्यों नहीं हुआ, तो सभी देशों ने समान तौर पर भागीदारी नहीं निभाई थी, इस कारण से आपका सम्मेलन असफल रहा। इस सम्मेलन का उद्देश्य था ग्रीन हाउस की प्रमुख गैस CO2। तो टोरंटो सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था CO2 गैस। और इसके अलावा कौन से सम्मेलन है जो असफल रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी दीजिए, क्योंकि मैं आपके उस सम्मेलन पर वीडियो बना चुका हूं। यदि आपने देखा होगा उस सम्मेलन को या जानकारी होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो आज हमने इस वीडियो में 2 सम्मेलन क्लियर किए। पहला सम्मेलन सन 1987 में हुआ था, जिसकी नींव 1986 वेना सम्मेलन में पड़ गई थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के वेना शहर में हुआ था। एक
कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन और कमेंट करके बताएं कि ऑस्ट्रिया में किस शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म हुआ था, ऑस्ट्रिया से कौन से शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, और इसका मुख्य विषय है ओजोन परत संरक्षण। इसके बाद कनाडा में एक और सम्मेलन सन 1988 में हुआ जो टोरंटो शहर में हुआ, जो कि सभी देशों की समान भागीदारी के ना होने के कारण असफल रहा। क्या रहा? असफल। इसका प्रमुख उद्देश्य था ग्रीन हाउस की प्रमुख गैस कार्बन डाइऑक्साइड को रखा गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ अगले दिन।